जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है। इनमें से कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, एनी बेसेंट, भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सलेम में, हैदराबाद में, कन्याकुमारी में, त्रिवनंतपुरम में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। समय कम लगेगा तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपने टोटल कितना सही किया ये कमेंट करके जरूर जाइएगा। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तिरुवनंतपुरम। विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र संस्थान तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला था। ऑप्शन देखिए, 15 सदस्य, 30 सदस्य, 22 सदस्य या फिर 12 सदस्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में प्रथम या सर्वप्रथम लगता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, जामिल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगोल से क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होते हैं? क्या अंतर होते हैं दोस्तों? ऑप्शन देखिए, 0 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 8 मिनट का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से देना है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वैलेसी के द्वारा या फिर लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन था दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरफुट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य के शासक पुलकेशी द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों। ऑप्शन देखिए, महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दसवें नंबर क्वेश्चन है, सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? कौन थे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर जल्दी से टिक करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखते ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, व्यापम पटवारी 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। जी साथियों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, पंडित पंचकौर प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे कौन थे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर जल्दी से टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद नत्थे खां साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, लेंजा गीत इस जिले का मुख्य लोकगीत है। कौन सी जिले है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सरगुजा है, कोरिया है, जयपुर है या फिर बस्तर है। तो अपना राइट आंसर जल्दी से टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बस्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? एक क्वेश्चन सीजीपीएससी 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, धारते परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कप किस खेल से जुड़ा है? कौन से खेल से जुड़ा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। सीजीपीएससी 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति सत्याग्रह से जुड़े थे, कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर जल्दी से टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, हरि ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सूरदास का है, कालिदास का है, तुलसीदास का है या फिर कबीरदास का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है? एक क्वेश्चन दोस्तों 2006 में सब इंस्पेक्टर मेंस के एग्जाम में देखने को मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडिया सदस्य हैं कौन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, इंग्रेड मैक्लाइड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे कौन थे दोस्तों? इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से कराया है, अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नंद कुमार साय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसकी स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, किसान कोऑपरेटिव राइस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? कल के वीडियो में दोस्तों पंडवानी गायन में हमने कंप्लीट डिस्कशन किए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेदमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें नंबर क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई, कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर जल्दी से टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान कबीर पंथ के 15वें आचार्य कौन है? कौन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा। और लास्ट में आपने टोटल कितना सही किए ये कमेंट करके जरूर जाइएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश मुनि साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, किनको इस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय इन्हें है, किनको है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मिनी माता है, वामन राव लाखे हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लोकप्रिय है, जनप्रिय है, पंडित जी है या फिर लोकनायक है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम में 2015 में देखने को मिला था। तो
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को किसने अधिक लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गुरु धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब आरंभ हुआ, कौन से वर्ष में हुआ दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुई थी दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा या फिर डी आसाम। तो इनमें से कौन से राज्य है, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।